नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अधोया में विद्यार्थियों को उनके विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह की अध्यक्षता विद्यालय प्रभारी नरेंद्र कुमार ने की। इस अवसर पर पवन पारेश्वर ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को जीवन में सभी प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की गतिविधियों से छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों से इस विद्यालय में विद्यार्थियों की करियर काउंसलिंग होने के कारण विद्यार्थी प्रतियोगिताओं में भाग लेने और उसमें अच्छे परिणाम लाने के लिए अग्रसर हुए हैं। बीते वर्ष विद्यालय के दो विद्यार्थी सुपर 100 में चयनित हुए और अब जवाहरलाल नेहरू विज्ञान एवं गणित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में परिवहन थीम में साहिल शर्मा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता राजेश शर्मा ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उत्कृष्ट कार्य के लिए राजेश शर्मा व साहिल शर्मा को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस उपलक्ष्य में विद्यालय में हुए राष्ट्रीय गणित एवं विज्ञान दिवस के 10 विजेताओं को स्मृति चिन्ह और 5 दिवसीय कौशल शिविर पर की गई विभिन्न गतिविधियों के 10 विजेताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। बराड़ा से हमारे संवाददाता पूर्ण सिंह की रिपोर्ट। गुड मॉर्निंग। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज कुछ उत्कृष्ट कार्य के लिए कुछ बच्चों को सम्मानित किया गया। आइए जानें कि ये जो बच्चे हैं किस चीज़ के लिए सम्मानित किए गए। तो मैं चाहूँगा सुमित सर से। जी सर, नमस्कार सभी को। हमारे स्कूल GSS अधोया जो कि बराड़ा ब्लॉक में आता है, हमारे स्कूल में 22 दिसंबर को मैथ्स डे सेलिब्रेट किया गया और 28 फरवरी को साइंस डे सेलिब्रेट किया गया, जिसमें कुछ बच्चों का कार्य बहुत ही उत्कृष्ट रहा, जिसकी वजह से हम उसका जो चार्ट मेकिंग का, हमारे क्विज कॉम्पिटिशन का, जितने भी कार्यक्रम थे वो सफलतापूर्वक हमने आयोजित किए। उसी के दौरान हमने जिन बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया उस दोनों ही कॉम्पिटिशन्स के अंदर, हमने उनको यहाँ सम्मानित करने की कोशिश की है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ कुछ दिन पहले ही लाइफ स्किल का एक चार से पाँच दिन का एक कैंप आयोजित किया गया था। उसके अंदर 50 बच्चों ने, 50 लड़कियों ने, हमारी 9वीं से 12वीं कक्षा की बच्चियों ने पार्टिसिपेट किया। उसके अंदर से जो हमारे 10 हमने सर्टिफिकेट दिए हैं उन बच्चों को जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य उसके अंदर किया। इसके साथ साथ हमारे स्कूल के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे स्कूल के एक छात्र साहिल शर्मा, जो कि 12वीं कक्षा का मेडिकल का छात्र है, उसने स्टेट लेवल के JLSNBMEE के अंदर सेकंड प्राइज लिया। और साथ ही उनके जो मेंटर हमारे फिजिक्स लेक्चरर श्री राजेश जी की जी को भी सम्मानित किया गया इसी कार्यक्रम के दौरान। धन्यवाद। तो आपने देखा किस प्रकार से ये उत्कृष्ट कार्यों के लिए बच्चों को सम्मानित किया गया। तो मैं चाहूँगा जोरदार तालियों के साथ एक बार सभी बच्चों का अभिवादन। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अधोवा, ब्लॉक बराड़ा, डिस्ट्रिक्ट अम्बाला से मैं पवन प्राशर। थैंक यू वेरी मच। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।